हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे। तो मेकअप मूवी वेबसाइट का पार्ट टू आ चुका है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप मूवी के ऊपर जो लोगो लगा होता है उसे कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे आप SEO पोस्ट लिख सकते हैं जिससे आपकी वेबसाइट में खूब ट्रैफिक आ सके। तो अगर आपने हमारी पहला पार्ट नहीं देखा मेकअप मूवी वेबसाइट का, तो आप देख सकते हैं, ये उसकी थंबनेल है, ठीक है दोस्तों। तो आप भी अपनी मूवी वाली वेबसाइट बना के खूब सारी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पार्ट सेकंड आ चुका है जिसमें आपको लोगो चेंज करने वाला बताने वाला हूँ मैं आपको इसी वीडियो में, और कैसे आप लिख सकते हैं SEO पोस्ट जिससे आपके मूवी वाली वेबसाइट में खूब सारा ट्रैफिक आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम वेबसाइट पे आ चुके हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था, ठीक है दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस लोगो को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसे क्लिक करके लोगो को डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड इमेज का बटन दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपने इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है दोस्तों। डाउनलोड करने के बाद आपने सीधा आ जाना है पिक्सआर्ट पे। तो चलिए सीधा पिक्सआर्ट पे। जैसे आप पिक्सआर्ट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा नीचे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और जहाँ पे आपको ऑल फोटो पे क्लिक कर देना और जो आपने डाउनलोड की थी इमेज उसे आपने सेलेक्ट कर लेना। तो आपको कुछ ऐसी इमेज देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको नीचे से ये बटन स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको ड्रा का आइकन दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे ड्रा पे क्लिक कर तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही आप ड्रा के बटन पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर कुछ आ जाएंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपने सीधा जाना है, आपने यहाँ पर आपको बटन दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आपको दो स्लाइडें दिख रही होंगी, एक ये वाली स्लाइड और एक ये वाली स्लाइड, ठीक है दोस्तों। इसकी जो फर्स्ट वाली स्लाइड क्या है उसको छोड़ के नीचे वाली स्लाइड की आँखें जो है वो बंद कर देनी है। आपको दिख रहा होगा ये जो आँखें हैं, ठीक है दोस्तों, इसे बंद कर देना है ऐसे ही स्टिल। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना और यहाँ पर आपको फिर से नीचे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको जैसा भी बैकग्राउंड का कलर चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपको एरर दिख रहा होगा ये वाला, यहाँ पे आ जाना और यहाँ पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आप रिक्टेंगल सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे फिल पे क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप रिक्टेंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारी जो वेबसाइट का नाम है वो है फिल्मी मौज के नाम से, तो हम फिल्मी मौज के नाम से यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कुछ ऐसा हम लिख लेते हैं एक बारी, तो यहाँ पे हम फिल्मी डाल देंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे मौज, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम मौज डाल देंगे। तो चलिए आपको कुछ नहीं करना, आपने सीधा टिक वाले बटन पे जाना है, ठीक है दोस्तों, ये रहा टिक। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, हमारा जो है सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपको टेस्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिख देना है फिल्मी। तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे आपको फ़ॉन्ट मिल जाएंगे, तो कोई भी फ़ॉन्ट आप ले सकते हैं जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है दोस्तों। तो हमने ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया है और यहाँ पे हमने लिख दिया फिल्मी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा फिल्मी आ चुका है। और अगर आपने मौज भी लिखना है तो जैसा भी आपकी वेबसाइट का नाम होगा वो आप दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे मौज लिख दिया है। तो हमारा जो ये लोगो है वो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो लोगो रेडी हो जाने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली क्लिक करके सेव कर लेना है इसे। तो यहाँ से आप इजीली सेव कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से आप इजीली सेव कर सकते हैं। और मैं आपको लोगो लगाना भी दिखा देता हूँ कि कैसे आपने इसे लगा लेना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने सेव कर लिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम आ जाते हैं सीधा वेबसाइट की तरफ जहाँ पर हमारी वेबसाइट थी। तो वेबसाइट में आ चुके हैं। सबसे पहले आपने ब्लॉगर में आ जाना है और ब्लॉगर का जो डैशबोर्ड है वहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने लेआउट वाले सेक्शन में चले जाना है। लेआउट वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे हेडर दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपने एडिट के बटन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे हम इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको प्रो मूवी दिख रहा होगा, इसको आपने कुछ नहीं करना। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपने चूज फाइल कर लेना और जो आपने फाइल सेव की है वहाँ से उठा लेनी है आपने, ठीक है दोस्तों।
तो हमने जो फाइल है वो उठा लिया। तो अभी यहाँ पे आपने थोड़ी देर वेट करनी है, अपने आप लोगो जो है वो आ जाएगा ऊपर, ठीक है। दोस्तों वो लोगो आ चुका है, तो हम इसे सेव कर देते हैं और हम हमारी वेबसाइट पे वापस चलते हैं। तो यहाँ पे हमने रिफ्रेश कर दिया, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं हमारा जो फिल्मी मोज के नाम से है वो लोगो रेडी हो चुका है। तो हमारा जो लोगो है वो हमारा रेडी हो चुका है। तो अभी हम सिखाते हैं आपको कि कैसे आपने यहाँ पे पोस्ट को लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, पोस्ट को लिखने के लिए आपने पोस्ट में आ जाना है। तो मैंने पहले से एक दो पोस्ट लिख रखी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी जो पहले से पोस्ट लिखी हुई है वो वहाँ पे मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ से आप इजीली पोस्ट लिख सकते हैं अपनी खुद की, ठीक है दोस्तों। कि कैसे आप SEO पोस्ट लिख सकते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो ये मेरी दूसरी वेबसाइट है जो फिल्मी ट्रैप के नाम से है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी फिल्मी रोज के नाम से एक और वेबसाइट थी, तो उस वाली वेबसाइट में मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 17,313,284 यहाँ पर इतने इतने व्यू आ रखे हैं गूगल से। तो आप देख बने रहिए, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपने SEO पोस्ट लिखनी है, ठीक है दोस्तों। और इससे जो नेक्स्ट वाली वीडियो आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर सकते हैं और कैसे अपनी पोस्ट को इंडेक्स कर सकते हैं गूगल में। तो वहाँ से आपको ईजिली बहुत सारा ट्रैफिक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मूवी वाली वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम चलते हैं SEO पोस्ट लिखने के। तो सबसे पहले हमने जिस भी मूवी पर पोस्ट डालनी है उसका नाम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने डाली थी यार अनमूल्य रिटर्न पे, ठीक है। उसको बार बार लिखना है, जितनी बार हो सके उतनी बार लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट फंडा तो यही है कि जितनी बार हो सके जो मेन टाइटल है जहाँ पे लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, जैसे यार अनमूल्य रिटर्न फुल मूवी डाउनलोड, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार यहाँ पर भी आ गया फुल मूवी डाउनलोड, यहाँ पर भी आ गया, ठीक है दोस्तों। और सेकेंड जो पार्ट है यहाँ पर आप इमेज जो है वो, ठीक है दोस्तों, लगा सकते हैं। ये आपको गूगल में मिल जाएगी, अगर आप थोड़ी एडिट करके लगाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यार अनमूल्य रिटर्न फुल मूवी डाउनलोड। तो यहाँ पे आप स्टोरी लाइन डाल सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे कुछ हेडिंग लिख देनी है अपनी तरफ से, ठीक है दोस्तों। हाउ टू डाउनलोड यार अनमूल्य रिटर्न या ऐसे कुछ, ठीक है दोस्त। तो दूसरा आ जाएगा इसकी स्टोरी लाइन पर, थोड़ी सी दो तीन लाइनें लिख सकते हैं आप। इसके बाद आपने कास्ट पे जो भी इसके अंदर कास्ट है वो आप देख सकते हैं, गूगल से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद यहाँ पे आपने फुल मूवी का नेम, ठीक है दोस्तों, जेनरे, ठीक है दोस्तों, और लैंग्वेज और रिलीज डेट आपने ज़रूर डालनी है, ठीक है दोस्तों। तो नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ साइट और टैग भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे फुल डिटेल दे रखी है, ठीक है दोस्तों। और ज़्यादातर आपने जो मेन हेडिंग है वो आपने बार बार डालते रहना, ठीक है दोस्तों, ताकि जो आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक कर सके। तो एंड में या बीच में आप इसका गेट लिंक दे सकते हैं जहाँ से आप इस मूवी को डाउनलोड कराना चाहते हैं। अगर आप डाउनलोड वाली वेबसाइट बनाएंगे तो वो इलीगल होगी, ठीक है दोस्तों। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप रिव्यू वाली वेबसाइट ही बनाएं। तो कुछ इस तरह आप SEO पोस्ट लिख सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, तो मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 3 आने वाली है उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर सकते हैं और कैसे आप खूब सारा ट्रैफिक लेके आ सकते हैं अपनी पोस्ट को इंडेक्स करके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।